ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है YouTube चैनल MBTech शो में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 फोन्स के बारे में, जिनमें आपको 10,000 रुपए अंदर एक पावरफुल बैटरी के साथ में एक पावरफुल स्पेक्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये जानने के लिए टॉप 5 फोन कौन से होने वाले हैं इस वीडियो को एंड तक देखें, और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब। तो दोस्तों मिनट बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर में आता है ASUS ZenFone Max Pro M2। इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने मिल जाती है माइक्रो USB 2.0 के साथ में। यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। अदर स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो 6.2 इंच की फुल HD प्लस की डिस्प्ले देखने मिल जाती है IPS पैनल के साथ में। गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन देखने मिल जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स 8.1 ओरियो देखने में मिल जाता है स्टॉक एंड्रॉइड के साथ में। प्रोसेसर की बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर देखने मिल जाता है, जो काफी पावरफुल प्रोसेसर है। रैम एंड स्टोरेज की बात करें तो 3GB 32GB 4GB 64GB वाले दो वेरिएंट देखने मिल जाते हैं डेडिकेटेड सिम स्लॉट के साथ में। बात करें कैमरा की तो कैमरा यहाँ पे खास है। रियर कैमरा 12+5 MP का देखने मिल जाता है। फ्रंट में आपको 13 MP का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, और साथ में फेस अनलॉक के साथ में फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने के लिए मिल जाता है। और इस डिवाइस की प्राइस आपको देखने मिल जाती है 9,999 रुपये। दूसरे नंबर में आता है Redmi का Note 7। इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी देखने मिल जाती है USB टाइप सी के साथ में। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है। 6.3 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने मिल जाती है, जो IPS पैनल के साथ में आती है। गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड का पाई देखने मिल जाता है MIUI 10 के साथ में। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर देखने मिल जाता है, जो काफी पावरफुल प्रोसेसर है। रैम एंड स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको दो वेरिएंट देखने मिलते हैं 3GB 32GB 4GB 64GB वाले हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ में ये डिवाइस आता है। कैमरा यहाँ पे खास है। रियर में आपको डुअल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है 12+2 का, और फ्रंट में आपको 13 MP का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। साथ में आपको फेस अनलॉक के साथ में फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने के लिए मिल जाता है, और इस डिवाइस की प्राइस देखने को मिल जाती है 9,999 रुपये। तीसरे नंबर में बात कर लेते हैं Realme 3 की। तो इसमें आपको 4230 mAh की बैटरी देखने मिल जाती है माइक्रो USB 2.0 के साथ में। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। 6.2 इंच की HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है IPS पैनल के साथ में। एंड्रॉइड का पाई देखने मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स ओप्पो के कलर OS के साथ में। हिलियो का P70 प्रोसेसर देखने मिल जाता है, जो काफी पावरफुल प्रोसेसर है। रैम एंड स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको दो वेरिएंट देखने मिलते हैं 3GB 32GB 4GB 64GB वाले, और साथ में डेडिकेटेड सिम स्लॉट देखने मिल जाता है, जिसमें आप दो सिम के साथ में एक माइक्रोएसडी कार्ड डाल सकते हैं काफी आराम से। कैमरे की बात करें तो कैमरा काफी खास है। रियर में आपको डुअल कैमरे का सेटअप देखने मिल जाता है 13+5 का। फ्रंट में आपको 13 MP सेल्फी कैमरा देखने मिल जाता है, और साथ में फेस अनलॉक के साथ में फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने के लिए मिल जाता है। और इस डिवाइस का प्राइस आपको देखने मिल जाता है 8,999 रुपये। चौथे नंबर में बात करते हैं ASUS ZenFone Max M2 के बारे में। तो इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी देखने मिल जाती है माइक्रो USB 2.0 के साथ में। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 6.26 इंच की HD प्लस डिस्प्ले देखने मिल जाती है IPS पैनल के साथ में। एंड्रॉइड का 8.1 ओरियो देखने मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स स्टॉक एंड्रॉइड के साथ में। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 632 प्रोसेसर देखने मिल जाता है। और रैम एंड स्टोरेज की बात करें तो 3GB 32GB 4GB 64GB स्टोरेज के साथ ये डिवाइस आता है। डेडिकेटेड सिम स्लॉट देखने मिल जाता है, जिसमें आप दो सिम के साथ एक माइक्रो एसडी कार्ड डाल पाते हैं। कैमरे की बात करें तो कैमरा यहाँ पे खास है। रियर कैमरे डुअल कैमरे का सेटअप देखने मिल जाता है 13+2 MP का कैमरा देखने मिलता है, और फ्रंट में आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। फेस अनलॉक के साथ में फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने मिल जाता है, और इस डिवाइस का स्टार्टिंग प्राइस है 8,499 रुपये। पांचवे नंबर में बात कर लेते हैं Realme C1 2019 के बारे में। तो इसमें आपको 4230 mAh की बैटरी देखने मिल जाती है माइक्रो USB 2.0 के साथ में। यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता। 6.2 इंच की HD प्लस डिस्प्ले देखने मिल जाती है IPS पैनल के साथ में। 8.1 ओरियो मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 450 वाला प्रोसेसर देखने मिल जाता है, और इसमें आपको रैम स्टोरेज देखने मिलती है 2GB 32GB वाली। डेडिकेटेड सिम स्लॉट देखने मिल जाता है, जिसमें आप दो सिम के साथ में एक माइक्रो एसडी कार्ड डाल पाते हैं। बात करें कैमरे की तो 13+2 MP रियर कैमरा देखने मिल जाता है। फ्रंट में आपको 5 MP सेल्फी कैमरा देखने मिल जाता है, और इस डिवाइस में आपको फेस अनलॉक देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए नहीं मिलता है, और इस डिवाइस का स्टार्टिंग प्राइस आपको देखने मिल जाता है 7,499 रुपये। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 डिवाइस जो आपको देखने मिल जाते हैं 10,000 रुपये के अंदर में, वो भी काफी कमाल के फीचर और काफी कमाल की बैटरी के साथ में।
तो फिलहाल आपको इन पांचों में से कौन सा डिवाइस ज्यादा बेहतर लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलती रहे। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।